नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं एक छोटा सा जानकारी देने वाला हूं सीआरटी टेलीविज़न पर आने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों, वह जो प्रॉब्लम है तो कौन सा है आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक 14 इंच का सीआरटी टेलीविज़न है और अक्सर बरसात के सीजन में एक समस्या हमें देखने को मिला करता है कि इसे फाइनल एनोड से स्पार्किंग किया करता है, और अगर दोस्तों यह स्पार्किंग हमारा ठीक नहीं होता है तो यह जो पिक्चर ट्यूब है तो ख़राब होने का 90% चांस बना रहता है। तो दोस्तों, इस फॉल्ट को, इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक नए ट्यूब मैकेनिक हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस समस्या को दूर करने के लिए इस कैप को बाहर करना होगा। तो हम इसे बाहर करेंगे, और दोस्तों इसे आपको बाहर करने के लिए सबसे पहले आपको शॉर्टिंग करना होगा। तो आप क्या करेंगे कि एक मल्टीमीटर का प्राड लेकर और इस अर्थिंग वाले इस वायर पर आप इस प्रकार से लगा देंगे, और एक इसका दूसरा पॉइंट जो है तो आप इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, जिससे कि आपका ट्यूब के अंदर, इस पिक्चर ट्यूब के अंदर जो भी करंट स्टोर होगा तो दोस्तों वह डिस्चार्ज हो जाएगा। दोस्तों, हमारा यह ट्यूब जो है डिस्चार्ज हो चुका है, और अब हम इसे निकालेंगे। तो इसे दोस्तों आप अच्छी तरीके से शॉर्ट करने के बाद, डिस्चार्ज करने के बाद आपको इस कैप को इस प्रकार से निकालना है, और आपको अंदर क्लिप दिख रहा है तो आपको क्लिप को एक साइड से दबाकर इसे दोस्तों आसानी से आपको निकाल लेना है, और आपको पेट्रोल से अच्छी तरह से यह जो भाग है इसका, इसे दोस्तों आपको अच्छे से साफ कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको मार्केट में इस प्रकार से छोटे पैकेट में और बड़े पैकेट में भी बॉन्ड टाइट मिलेगा, जिसे आपको कैप पर लगाना होगा। तो दोस्तों, यह जो बॉन्ड टाइट है, इस प्रकार से आपको इसके अंदर दो ट्यूब मिलेगी, तो आपको दोनों को अच्छी तरह मिलाकर इस कैप पर आपको चारों तरफ लगाकर, और दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ चिपका देना है। तो अब दोस्तों हम इसे अच्छी तरह से मिलाकर और कैप पर लगाकर यहाँ अच्छे से चिपका देंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बार इस कैप को लगाकर आपको दिखा देता हूँ कि यह किस प्रकार से स्पार्किंग कर रहा है, और इसे लगाने के बाद हमारा स्पार्किंग ठीक होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखिएगा। अब दोस्तों मैंने इसे लगा दिया है, और अब मैं टेलीविजन को ऑन करता हूं तो आप देखिएगा कि यह किस प्रकार से स्पार्किंग करता है। दोस्तों, आप स्पार्किंग देख सकते हैं, साइड से यह स्पार्क कर रहा है। एक बार मैं फिर से आपको टेलीविजन को ऑन करके दिखाता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह कुछ इस प्रकार से स्पार्किंग कर रहा है। इसके पहले यह टेलीविजन बहुत ज़्यादा स्पार्किंग कर रहा था, और इसे दोस्तों मैंने एक घंटे के लिए धूप में रख दिया था, इसके बावजूद भी हमें स्पार्किंग देखने को मिल रहा है। तो अब हम दोस्तों फिर से एक बार इसे डिस्चार्ज करके और इस कैप को बाहर करेंगे, और यह जो बॉन्ड टाइट है इसे मिलाकर हम यहाँ लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसे चालू करके देखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ट्यूब को इसके इस होल के चारों तरफ लगा दिया है, मिलाकर लगा दिया है, और अब दोस्तों हमें इस कैप को अच्छे से लगाना होगा। इसे दोस्तों आपको इस प्रकार से लगाकर और अच्छे से आपको इसे इस प्रकार से चारों तरफ से चिपका देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको अच्छे से इसे चिपका देना है, और अगर आप एक दिन के लिए इसे अच्छे से सूखने के लिए रख देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, और अगर दोस्तों आप इसे चलाना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे सूखने के बाद आप इसे चला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसे एक दिन अच्छे से सूखने दें, इसके बाद आप दूसरे दिन से इस टेलीविजन को चला सकते हैं। इससे दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो स्पार्किंग है तो रुक जाएगा।
तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने बॉन्ड टाइट लगाकर इस कैप को अच्छे से चिपका दिया है। और दोस्तों मैं इस टेलीविजन को आपको चालू करके भी दिखाता हूं, जबकि अभी बॉन्ड टाइट को लगाए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। अगर दोस्तों आप इसे एक दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, टेलीविजन को चालू नहीं करते हैं, तो आपका यह प्रॉब्लम जो है परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। जो आपका स्पार्किंग था, तो दोस्तों वह आपका यहाँ से स्पार्किंग होना बंद हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर यह कैप कभी ख़राब हो जाता है, अगर आपको इसे निकालना हुआ, अगर यह कट फट जाता है, तो आप बड़े आसानी से इसे दोबारा से भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको टेलीविजन को ऑन करके भी दिखाता हूँ कि अब दोस्तों हमारा जो स्पार्किंग पहले कर रहा था, तो वह स्पार्किंग कितना करता है बॉन्ड टाइट लगाने के बाद। दोस्तों मैंने टेलीविजन चालू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि टेलीविजन हमारा चालू हो चुका है। मैं आपको टेलीविजन भी सामने से दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेलीविजन जो है तो सही हो चुका है। इस प्रकार से आप बॉन्ड टाइट का उपयोग करके किसी भी सीआरटी टेलीविजन पर हो रहे स्पार्क को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों यह जो बॉन्ड टाइट है, मार्केट में आपको छोटे पैक बड़े पैक दोनों में मिल जाता है। और दोस्तों यह जो छोटा पैक है, मुझे 15 रुपये में मिला हुआ था, जिससे कि हम 4 से 5 TV पर इसे लगा सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।